वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि जुलाई या अगस्त में मुल्क में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ, जिसके बाद इजहारे ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अवाम एहतियात कर लें तो पाकिस्तान इस तबाही से नहीं गुजरेगा जो दीगर अमीर ममालिक पर आई है। हमने एहतियात ना की तो बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है और मुल्क को नुकसान होगा। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता बल्कि वबा फैलने की रफ्तार कम हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन कोई मुल्क ज्यादातर बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती है। हमारी सारी जद्दोजहद ये है कि मुल्क में कोरोना आहिस्ता आहिस्ता फैले और तेजी से ना फैले ताकि अस्पतालों पर बोझ ना पड़े। SOPs पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं। एहतियात करेंगे तो महफूज रहेंगे। ऑक्सीजन वाले मजीद 1000 बिस्तर मुल्क भर में तकसीम करेंगे। उन्होंने बताया कि पाक निगबान के नाम से वेबसाइट और ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिससे पता चल जाएगा कि किस शहर में कितने बिस्तर दस्तियाब हैं। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। लोग इस वबा को संजीदगी से नहीं ले रहे। वो SOPs पर अमल ना करके अपनों की जिंदगी खतरे में और मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। सब लोगों से अपील है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि इससे वबा के फैलाव का खतरा 50% कम हो जाता है। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्क के बहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।